नमस्कार दोस्तों, आजकल हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फैल गई है। विदेशों में भी लोग इससे परेशान हैं। उसकी एक ही वजह है कि बेहिसाब हमारे ऊपर टेंशन, मिलावटी भोजन, दूषित हवाएं, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एक वक्त था जब मुझे भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने मुझे बोला आपको लंबे समय तक, जिंदगी भर तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। मैंने भी सोचा कि कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे हाई ब्लड प्रेशर से मैं मुक्त रहूं। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, सुना, पढ़ा और उन्हें अप्लाई किया और मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा मेंटेन रहता है, 120 और 80 ही आता है। तो मैं क्या क्या करता हूं मैं वो आपको बता देता हूं और आप भी अपना ब्लड प्रेशर इस तरह से मेंटेन करके रख सकते हो। ये देखो, आपकी जो छोटी उंगली है, मिडिल फिंगर है, और इसके बगल वाली फिंगर, लेफ्ट हैंड की, बाएँ हाथ की मिडिल फिंगर और उसके बगल वाली फिंगर, रिंग फिंगर, इसके बीच में ये जो ऊपर बॉर्डर वाली लाइन है ना, यहाँ से और ये जो हार्ट लाइन है, इसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है। आप इसे प्रेस करोगे ना तो आपको दर्द का एहसास होगा। जब भी हाई ब्लड प्रेशर है तो आप प्रेस करो तो कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो चुभेगी, आप उसे दबाओ, 8-10 बार दबा लो उसको, ऐसे दबा लो, तुरंत आपको ब्लड प्रेशर में रिलीफ फील होगा। और फिर आप क्या करो, आपकी जो बीच की उंगली है ना, इसको ऐसे 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 ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक ऐसे स्माइल देते हुए दबा लो 7-8 बार। छोटी वाली उंगली को भी ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे दबा लो। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, 7-8 बार कर लो। और अब क्या करो, अब शीतकारी प्राणायाम या शीतली प्राणायाम करो। सो दो तरीके से कर सकते हो आप। दोनों ओठों को सीटी जैसे आकार में बनाओ वैसे, और ब्रीथ को इनहेल करो और नोस्टल से ब्रीथ को एक्सहेल करो। इस तरह से देखो आप, या फिर दांतों को बंद करो और फिर आप दांतों को बंद करने के बाद हवा खींचो और नोस्टल से एक्सहेल करो इस तरह से। चार चार पांच बार बार ऐसे कर लो आप, कोई भी एक बार करना है, चाहे दांतों से आप सांस खींचो, चाहे तो फिर ओंठों को गोल करके इस तरह से सांस खींचो। अब देखोगे विद इन सेकेंड्स ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। या फिर कैंफर या कपूर जिसे हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी सूंघ सकते हो आप। 4-5 बार आप कपूर की टीके सूंघोगे, आप देखो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। और खाने में हमेशा सेंधा नमक खाएं और गारंटीड 101% आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। एक्सरसाइज भी जरूर करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने अपना किया और मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, बहुत सारे लोगों के फीडबैक आए और उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुए बाकायदा, और उन्होंने मेंटेन रखा अपने ब्लड प्रेशर को। मेडिटेशन भी ज़रूर कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, एक घंटे, किसी भी तरह से मेडिटेशन को कहीं से भी सीख लीजिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं मेडिटेशन पर। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा, कूल रहेगा माइंड आपका। जब आपका माइंड कूल रहेगा तो ब्लड प्रेशर आपका कभी भी नहीं बढ़ेगा और हमेशा आप आनंद में और एक हेल्दी जीवन जीते रहेंगे। आप इसे करके जरूर देखना। आपको पॉइंट बताएं, ये पॉइंट दबाना है आपको, ये वाला पॉइंट है ना, हार्ट लाइन और इसके बीच में, मिडिल फिंगर को ऐसे ऐसे करना है 7-8 बार, उसके बगल वाली फिंगर को करना है दोनों हाथों की, है ना, और शीतली प्राणायाम करना है 5 बार और दांतों से हवा खींचने से, और कपूर की टिकिया सूंघनी है। 100% आपको ब्लड प्रेशर में आराम मिलेगा। ये वीडियोस अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ आप शेयर कीजिए जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें जरूर निजात मिलेगी। अच्छे लगते हो मेरे वीडियो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो कर लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोज आपको रोज मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।